Hey guys, my name is Atul. Welcome to my channel, Atul and Friends Talks. तो आज मैं यहाँ डंपिंग ग्राउंड के पीछे आपको डंपिंग ग्राउंड का ऊपर का ड्रोन व्यू भी दे दूंगा और यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करने आया था कि कार जा रही है और पीछे से ड्रोन आ रहा है तो कैसे मैं शॉट ले पाऊँगा, क्योंकि मैं एंड ये मंथ एंड से पहले मैं सोच रहा था मेरे गांव जाके आऊँ तो वहाँ पर मैं ड्रोन शॉट ले लूँगा मेरे कार का। तो एन्जॉय द वीडियो और एंड में मैं आपको हिस्ट्री भी बता दूंगा डंपिंग ग्राउंड के बारे में। तो एन्जॉय 3 मिनट्स वीडियो, सी यू। सो 9 मई 2021 को मैंने वीडियो शूट किया संडे को। तो ये सब लोग यहाँ पे लॉकडाउन में क्रिकेट खेल रहे हैं। ये इसका बैक साइड का एरिया जहाँ पे ट्रांसफार्मर भी लगाया हुआ है अडानी का। यहाँ पे सब इलेक्ट्रिसिटी वर्क होता है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में डंपिंग ग्राउंड है। सो डंपिंग ग्राउंड यहाँ से 1972 से स्टार्ट है और 2007 में इसमें कोर्ट ने स्टे बैक ऑर्डर दिया था। तब 2009 में ये क्लोज होके यहाँ पे पूरा गार्डन बना दिया था। तो ये 2.38 मिलियन टन्स ये कचरा था। इसका हाइट मैक्सिमम 26 मीटर है और ये 19 हेक्टर्स में फैला हुआ पूरा डंपिंग ग्राउंड है। तो ये आप गूगल पे जाके इसके बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये लोग मीथेन का प्लान कर रहे हैं, मीथेन प्लांट का, जो जिसे इलेक्ट्रिसिटी ये हुआ है। और ये एक नदी है जो नेशनल पार्क के इधर से आती है, वैसे अभी गटर बन गया है, पर ये यहाँ से आगे जाके समुंदर को मिल जाती है। ये पीछे का सब खारफुटी झाड़ का पूरा एरिया है। और ये मेरा ड्रोन थोड़ा शेक हो रहा है क्योंकि शाम के टाइम पे 5:30 का टाइम है, 5:36 का, तभी बहुत सारा विंड फ्लो होता रहता है। तो 8 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा रहेगा तो ये शेक होता है।
तो ये बैक एरिया है पूरा रोड, ये आपको मैक्सिस मॉल से के सामने से गोविंदास के बाजू से ये सीधा रोड अंदर जाता है, तो यहाँ तक एंड तक आपको ये एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं गाड़ी सीखने, तो मैंने भी अपना गाड़ी यहीं पे सीखा था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।